नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज 1 मई 2023 के दिन छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मुद्दा था उसके वो लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट हियरिंग थी। तो थोड़ा सा बैकड्रॉप मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी और उसके बाद से निरंतर 58% आरक्षण पर ही भर्तियां तथा प्रमोशंस जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहे थे। लेकिन हाल ही में हुआ क्या, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसने 58% आरक्षण को यह कहकर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये 50% के ब्रैकेट से क्या है, ज़्यादा है। और इस को लेकर राज्य सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। तो इस अर्जेंट हियरिंग में हुआ ये कि जो हाई कोर्ट का आदेश था 58% के आरक्षण को निरस्त करने का, उस आदेश पर स्टे मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जब तक ये मामला लंबित है तब तक के लिए राज्य सरकार जो है 58% पर नए पदों में भर्ती कर सकती है तथा पदोन्नति या इसको प्रमोशन के लिए भी क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। तो ध्यान रखना, ये जो मामला है 100% सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, अभी भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि हाई कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है स्टे और राज्य सरकार को कहा है कि 58% पर भर्ती करा लीजिए, प्रमोशन करा लीजिए और उसके बाद जब मामला फाइनल होगा तब तो आरक्षण निकल कर आ ही जाएगा। चलिए, तो अब लग जाइए अपने तैयारी पर और याद रखिएगा कि अब आ सकती है बंपर भर्तियां। चलिए, तो मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर।